अयो 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 अयो। Hey guys, what's the difference between Hitler and ध्रुव राठी? हिटलर यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता था बाकी सब सेम है भाई, लिटरली। हिटलर वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया, देन ही मूव टू जर्मनी। ध्रुव भाई भी इंडिया में पैदा हुए एंड देन ही मूव टू जर्मनी। हिटलर को जूइश से बहुत प्यार था और ध्रुव को जूली से। बीइंग ऑनेस्ट भाई, ये वीडियो बिल्कुल सीरियस नहीं है। जितने भी लोग ध्रुव और एल्विश का नाम सुन के आए कि भाई बहुत सीरियस वीडियो, ना, आई एम जस्ट हियर टू हैव माई टाइम भाई। मैं बस छेड़ी लेना चाहता हूँ लोगों की। बिकॉज इफ यू विल आस्क मी हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर बिटवीन एल्विश एंड ध्रुव, आई विल रिप्लाई Rahul Gandhi. I'm on that Gautam Gambhir shit, bro. Gautam Gambhir became the head coach of India, by the way. Bhai, we got Virat and Gautam Gambhir in the same team before GTA 6. Let's go. Counter कहाँ है? जवाब कहाँ है? कहाँ है करना बंद कर दे कौवे की तरह। यार, starting इतनी funny है भाई। मेरे को सुनने में आया this video is super funny भाई. Like Dhruv replied really well in a humorous way. So I'm here for that jokes. I'm here for that laughing emoji. Sorry. काउंटर कहाँ है? जवाब कहाँ है? कहाँ करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। यार ये चीज मैं देख चुका हूँ, एल्विश ने ट्वीट करके इस चीज का एनकाउंटर दे दिया था कि नाम की स्पेलिंग अलग होने से क्या होता है, चेहरा तो सेम ही है। He is still standing by his words कि भाई दोनों अकाउंट सेम ही है, they are not different. ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। इमेजिन भाई, किसी दिन ध्रुव राठी और एल्विश यादव साथ में आते हैं और एक एनर्जी ड्रिंक निकाल देते हैं, जस्ट लाइक KSI एंड लोगन पॉल। लोगन पॉल और KSI ने जो ड्रिंक निकाला था उसका नाम प्राइम था। ध्रुव और एल्विश जो ड्रिंक निकालेंगे उसका नाम जर्मन स्नेक रख सकते हैं। अभी कितना अच्छा नाम है भाई, जर्मन स्नेक। वाह भाई, इट्स अ गुड आइडिया, यू नो। ए इट्स अ गुड आइडिया। नमस्कार दोस्तों, कभी पिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब हाँ भैया, इतना बिल्डअप फॉर दिस शिटी जोक, ठीक है भाई। बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। बताओ, एक ध्रुव अपना भाई, ध्रुव तारा है, कितना नाम रोशन कर रहा है उस दुनिया पर, और एक ये ध्रुव है। एक भाई अपना सूर्य कुमार यादव है, विन द कैच विन द मैच, और भाई एक अपने एल्विश यादव है। तुम देख रहे हो भाई कितनी वैरायटी अपने पास एक ही सरनेम में, कर्मास की। तो इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है। मेरे को बुरा लग रहा है भाई। भाई ध्रुव ने कितना सैडली बोला, कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है। टूटा हुआ सास हूं मैं। नहीं भाई, आपको कोई कुत्ता नहीं बोल रहा यार। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर? कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है? काउंटर कहाँ है? जवाब कहाँ है? कहाँ करना नहीं सह पाऊंगा यार, मेरे से नहीं होगा भाई ये वाला। अपन इस वीडियो, अपन यही सेक्शन के आगे नहीं जाने वाले। ये काए भाई वाला सटीक है। इट्स एट दिस पॉइंट ब्रो ऑलरेडी मेक अ डिस्ट्रैक्ट लाइक ऑलरेडी जस्ट मेक अ डिस्ट्रैक्ट भाई। यू आर सो गुड एट, यू नो, इट्स वर्ड प्लेस में। काए काउंटर, काए करना बंद कर। ए यो एल्विश, तूने बोला काए काउंटर, काए करना बंद कर। मैं छोड़ दूंगा इन द जंगल, तेरे साथ बिस्तर मेरा जाई के अंदर खेलूं मैं दंगल। LGBTQ करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे वीडियो बोर मार रही है यार। भाई आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, पता नहीं क्यों मेरे को लगा दिस विल बी अ गुड आइडिया। इनिशियल स्टार्टिंग अच्छी थी, पर अब भाई आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे नई आधे घंटे की ये वीडियो आधे घंटे पड़ी है, मुझे आधे घंटे की वीडियो नहीं देखनी भाई यार, मेरे को कुछ नहीं मतलब है ना एल्विश है ना ध्रुव से भाई। भाई एक मिनट, Who is forcing me? No one, right? भाई मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो का बेस्ट पार्ट बताया है, ठीक है। सो अपन सिर्फ वो 2 मिनट के आखिरी के 2 मिनट के पार्ट में रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पार्ट भाई, ट्रस्ट मी, ओके दिस इज द बेस्ट पार्ट, ओके लेट्स वॉच। एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता है, मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया, अब देखो NIA ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अब भाई साहब भाई I'm just enjoying this video way too much भाई। Bro, we got 2 iconic shits in this video. काय and पकड़ लिए। Reload it me, reload it. Let's watch it again. मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया, अब देखो NIA ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी पकड़ लिया। तूने और बहुत सारे आरोप लगाए। भाई एक और बार रिलोडेड भाई, पकड़ भाई, अब देखो NIA ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। मैंने और बहुत सारे आरोप लगाए थे मेरे ऊपर कि कैसे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर झूठी जानकारी फैलाई, टेलीग्राम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया, क्या क्या बकवास तू इमेजिन करता है। कभी तूने कहा कि मैं कोई फर्जी कॉइन प्रमोट करता हूँ, कभी तूने कहा कि मेरा आम आदमी पार्टी के साथ लिंक है। जो तूने गंदगी फैलाई है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और इस एल्विश यादव की असली पर्सनालिटी को भी पकड़ेंगे। इतने Bro, this पकड़ेंगे एंड काय shits है to be the greatest memes भाई, meme material इस साल का भाई। I just like the fact भाई कि वीडियो रोस्ट के साथ भाई फनी भी थी, so cheers to Dhruv। बाकी एल्विश का रिप्लाई देखते हैं, मैं तो अब और कोई वीडियो नहीं बना रहा इस टॉपिक पे, बिकॉज मुझे ये टॉपिक पकड़ने में बोर हो रहा है, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। That's it for today's video, मैं चला भाई मेरे दोस्त का पकड़ ले।